अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बड़खल विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी विजय प्रताप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, देखा जाए तो कहा जाता है कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, ऐसे में उम्मीद भी सबसे ज्यादा है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो राज्य से लेकर सेंट्रल तक में दो इंजन की सरकार है। क्या मानते हैं, जब बड़खल की बात की जाए तो किस लिहाज से हम इसे उठाएं, क्या वाकई में ये दो इंजन की सरकार विधानसभाओं में भी एक बड़ा असर दिखाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में हमेशा ही ऐसा हुआ है, केंद्र में और सरकार है, दूसरी जगह दूसरी है। कुछ राज्यों में ज़रूर ऐसा ट्रेंड है, लेकिन इस दफ़ा आप देखें, 5 साल से बीजेपी के जो राज्य में शासन है, लोग परेशान हैं, इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, जो उन्होंने वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया है, और केवल ये प्रचार ही कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। लेकिन कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करते नजर आ रहे हैं, 5 साल में काम बोलता है, जमीन पर विकास दौड़ता नजर आया है, राष्ट्रवाद की राजनीति चली है और राष्ट्रनीति में तब्दील हुई है, कांग्रेस क्या लेकर आ रही है? नहीं, कांग्रेस तो अपना विजन लेकर आ रही है कि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर काम किया, और हरियाणा में तो जो डेवलपमेंट हुआ है वो कांग्रेस ने किया। जब कांग्रेस हरियाणा अस्तित्व में आया है तब से लेकर अब तक, जब भी गैर कांग्रेसी सरकार यहाँ रही है तब तक विकास का पहिया रुका है। फरीदाबाद ले लीजिए आप, मैं अगर फरीदाबाद की स्पेसिफिक बात करूं तो हम तो छोटे से थे, जब हमें थोड़ा होश हुआ तो हमने 96 में देखा कि गैर कांग्रेस सरकार आई, और दोनों ही गैर कांग्रेस सरकारों में बंसीलाल जी थे, फिर चौटाला साहब थे, उनमें बीजेपी उनके साथ थी। उन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस को लोगों ने ला के दिया। कांग्रेस आखिर इस बार कितनी पार होगी? नहीं, पार होगी, हमें तो उम्मीद है सरकार बनेगी। शुक्रिया सर, आनंद टीवी से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विजय प्रताप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 75 पार बीजेपी पार हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार इस बार बहुमत के साथ अपना किला हरियाणा में एक बार फिर से बनाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं भावना, आनंद टीवी हरियाणा।